मंच पे उपस्थित सभी माननीय नेतागण और मेरे सामने लाखों की संख्या में उपस्थित मेरे देशभक्त देशप्रेमी भाई और बहनों, हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा, और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हमें नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लगते होगा, लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है, और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है, अरविंद जी को, अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में, हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में, ये कौन सा तरीका है। इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में ले लिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं, जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है, भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं। तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है, क्या आप सारे लोग ठग हैं, मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं, ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया, उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टियर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों को आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानते हैं और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने, आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार
400 पार। मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे, यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।